कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी तबाही की गिरद में ले भाई चुका हम है। इतने खुश हैं कि हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से हो रही है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं उसी वक्त समझ गई थी कि ये जबरदस्त लड़का है और मेरा अंदाजा हमेशा ही ठीक होता है। अरे बहन फिक्र ना करें, मेरा बेटा आपकी बेटी का खूब ख्याल रखेगा। रुकें, ये शादी नहीं हो सकती। अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं तो देखते ही जान गई थी कि ये मेरे बेटी के काबिल नहीं है। साईं ये तो हमारी इज्जत का जनाजा है। ओए ज्यादा सुल्तान रहे ना बन, क्यों अपनी शादी खराब कर रहा है? नहीं नहीं प्लीज, मैं शादी करूंगा तो इसी से ही करूंगा, नहीं तो इसकी याद में कुंवारा मर जाऊंगा। लेकिन यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। कोरोना वायरस की वबा हर तरफ फैल चुकी है। अबे शुक्र यार तू आ गया, कुछ समझा इन्हें। इस टाइम पर हम दावतें नहीं कर सकते। बकवास कर रहे फ्रॉडिया, जरूर कोई इंग्लिस्तानी मेम का चक्कर है। बात को समझने की कोशिश करें। ये सैकड़ों लोग जो जश्न मनाने आए हैं, इनमें से अगर एक को भी कोरोना हुआ तो ये वायरस सारे गांव में फैल जाएगा। कौन अपने वलीमे को लोगों का जनाजा बनते देखना चाहता है? मेरी शादी मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, लेकिन मेरा खानदान और मेरी बिरादरी मेरे लिए ज्यादा हैसियत रखती है। मैं किसी को खतरे में नहीं डाल सकती। ये शादी रोकनी पड़ेगी, अपना टाइम आएगा। सारे सुन लो, कोरोना की वजह से अपने बेटे की शादी मैं 2 साल बाद करूंगा। मैं लुट गया। मुझे कुछ बोलने की इजाजत है? इस वक्त हर कोई अपने घरों में रहे। कोरोना वायरस फैल रहा है तो हर कोई 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोए, जो कि आपको कोरोना वायरस के अलावा मजीद बीमारियों से भी बचाएगा और एक सेहतियाब जिंदगी देगा। जैसे ही कोरोना का डर खत्म हो आप शादी कर लीजिएगा। हमें इस वायरस से लड़ना है और हम सब इसमें एक साथ हैं। हम जल्द जश्न मनाएंगे।